हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे एसएससी एमटीएस के लिए टॉप 50 प्लस यहाँ पे जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए। ठीक है, यहाँ पे जीके जीएस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपका एसएससी एमटीएस में क्या होता है कि 25 नंबर की जीके क्वेश्चन पूछी जाती है, 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे दो प्रैक्टिस सेट लिए हैं, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन टोटल है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसके पहले पार्टों को नहीं देखा तो उसको जाके देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लिखा है आपका, आपको एसएससी एमटीएस की प्लेलिस्ट दे देंगे तो आपने उसको जरूर देखिएगा। पहले नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया, पहले प्रैक्टिस सेट में भाग टू में समान ज्ञान थी। ठीक है, तो लिखा क्या है, निम्नलिखित घटनाओं को क्रमबद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को इन चारों घटना के बारे में पता होना चाहिए कि कब हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग बता देते हैं रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था। ठीक है, चलिए बताइए रोलेक्ट एक्ट आपका कब हुआ था। देखो, रोलेक्ट एक्ट आपका 1919 को हुआ था, 8 मार्च 1919 को हुआ था। और अगस्त क्रांति तो आपको अगस्त को ही होगी, 9 अगस्त 1942 को ही थी। ठीक है, और रोलेक्ट एक्ट आपका 8 मार्च 1919 को हुआ था। और लाहौर कांग्रेस अधिवेशन अगर पूछा जाए तो कब हुआ था, आपका 31 दिसंबर को हुआ था, 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1923 को हुई थी। तो सबसे पहले आप लोग की 1919 हुआ है, मतलब पहले नंबर में पहला आएगा, और फिर 1923 है तो चौथा आएगा, फिर 1929 है तीसरा नंबर, फिर 1942 लास्ट में दूसरा। 1 4 3 2 किस राइट ऑप्शन बन रहा है, 1 4 3 2 यहाँ पे जो 26 का पहला ऑप्शन है दोस्तों, वो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका बन जाएगा। ठीक है, ये चारों आप लोग याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे लिखा है आपका 26 का, वैसे ए पार्ट राइट है। चांदी एवं शीशा का आयात हड़प्पावासी कहाँ से करते थे, चारों ऑप्शन को देखिएगा, ध्यान से करिएगा। यहाँ पे जो ईरान है वो राइट ऑप्शन बनेगा। चांदी और शीशा का आयात हड़प्पावासी कहाँ से करते थे, ईरान से करते थे। 28 नंबर प्रश्न दिया, मेरठ तथा टोपरों से अशोक स्तंभ को मंगवाकर दिल्ली में किसने स्थापित करवाया। 28 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। वायुमंडलीय ताप वृद्धि से क्या होता है, वायुमंडलीय ताप वृद्धि से क्या होता है, क्षोभ मंडल और अधिक गर्म होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तीस नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों के पुनर्रूपांतरण से बनी सैल है। तीस नंबर प्रश्न है, तो इसका जो बी ऑप्शन है सरपेंटाइन, यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी झील सागर यूरोप को एशिया से अलग करती है। 31 नंबर का यहाँ पे होगा, कैस्पियन सागर जो होती है वो आपको यूरोप को एशिया से अलग करती है। ये क्वेश्चन देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया है भाई। ठीक, कौन सी झील है जो आपकी, ठीक है, तो यहाँ पे कैस्पियन सागर है जो आपको यूरोप से एशिया को अलग करता है। यहाँ पे जो 31 का जो सी ऑप्शन है दोस्तों, कैस्पियन सागर राइट ऑप्शन बनेगा। यहाँ देखते हैं 32 नंबर प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको आता होगा। तो 32 नंबर प्रश्न का बताइए राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। देखो, सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य आ जाता है बीच में, सीधी बात है। ठीक है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चलो अगला देखते हैं, भारत के प्रथम जैव मंडली क्षेत्र किसे घोषित किया गया था। 33 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका नीलगिरी को घोषित किया गया। यूएसए के राष्ट्रपति की पदवी क्या है, तो आपका बताइए भाई 4 वर्ष है। ठीक है, अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। 35 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, नीति निदेशक तत्व जिसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से ली गई है, छत्तीस नंबर का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका बी पार्ट बनेगा। गणतंत्र की जो अवधारणा है दोस्तों, वो फ्रांस से ली गई है। ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके काफ़ी बनते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग देख के जाइएगा, मैं सारे क्वेश्चन आपको कराते चलूँगा, मिक्सअप क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ठीक है, सारे टॉपिक वाले क्वेश्चन इसमें ऐड हैं। राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो राष्ट्रीय आय आपकी उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद होता है। भोजन काम और उत्पादन का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। भोजन काम और उत्पादन का नारा 38 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा, यहाँ पे जो 7वीं पंचवर्षीय में बताया गया है, प्रकाश संश्लेषी उत्पाद स्थानांतरित होता है, बताइए। 39 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन आपका होगा ए ऑप्शन, चांदनी नलिकाओं द्वारा होता है। अगला दिया, पेंसिलिन प्राप्ति का स्रोत क्या है, 40 नंबर का यहाँ पे जो पोस्ट पादप है वो राइट ऑप्शन बन जाएगा। एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, 41 नंबर दिया गया तो मिथाइल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। अगला दिया, तणित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है,
तड़ित कह सकते हो या फिर बिजली कह सकते हो। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को देखिए भाई। 42 का राइट ऑप्शन आपका विद्युत विसर्जन से ही होती है, ठीक है, बिजली उत्पन्न। अगला देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है भूरी शर्करा के विलयन को विरजित करने के उपयोग में लाए जाने वाले कोयले, कोयला या चारकोल की बात है, निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। 43 का राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, सी ऑप्शन, जानता हूँ, चारकोल। अगला दिया गया है 44 नंबर दिया गया, इसके बाद आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है भाई। तो देखो आप लोग वीडियो को लाइक बहुत कम होंगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। आप लोग पता है भाई इसमें वीडियो काफ़ी में लाइक कम आते हैं, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है। इस चैनल पर क्या आपको आपको एस एस सी एम टी एस की रीजनिंग और इंग्लिश और आपको जी के मिलता रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाएं पर क्या असर पड़ता है, आपको ये बताना है। बहुत अधिक ऊंचाई पर पूछा गया, ठीक है। तो 44 नंबर दिया गया है, तो इसमें क्या होता है कि जो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं RBC, वो आपकी संख्याएं बढ़ जाती हैं। अगला दिया गया, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। 45 का यहाँ पर जो विटामिन के है, जो रक्त के स्कंदन से रिलेटेड होता है, विटामिन के। अगला दिया, फुहारा जो स्पेयर होता है, स्पेयर फुहारा कह सकते हो, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 46 नंबर दिया गया, तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन ए पार्ट, बर्नौली पर मैं जो आप लोगों ने देखी होगी, सुनी होगी, तो वही आपकी फुहारा स्पेयर से संबंधित है। अगला देखते हैं यहाँ पे, चलो भाई अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया, हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंगों की प्रसारणों के अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं। 47 नंबर दिया गया, तो उसका रीजन क्या होता है कि लघु तरंगों पर क्या होता है कि वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला दिया गया है, सॉल्क वैक्सीन का इस्तेमाल किससे सुरक्षा पाने के लिए किया जाता है, सॉल्क वैक्सीन का प्रयोग, ठीक है। तो 48 नंबर दिया गया है, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा पोलियो, बी ऑप्शन राइट है। डाटा वेयर हाउस निम्नलिखित में से कौन सा है। 49 नंबर दिया गया है, इसका राइट ऑप्शन आपका बनेगा सी पार्ट, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट एरिया के इर्द गिर्द ऑर्गेनाइज होते हैं। विश्व भर के बच्चों के स्वास्थ्य पोषण तथा उनके कल्याण हेतु कार्य करने वाली संस्था का नाम क्या है, ठीक है। तो 50 नंबर प्रश्न का यहाँ पे जो यूनिसेफ हो जाएगा वो राइट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन थे, ठीक है, 26 से 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन होगा। अब दूसरा प्रैक्टिस सेट आप लोग देख लीजिए, चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई अब दूसरा प्रैक्टिस सेट आ गया आप लोगों का, ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या है। पहला नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं दिया गया। तो ये देखिए आपका ये क्वेश्चन काफ़ी बनता है, ठीक है। पहला ये वाला पूछा जाता है ज़्यादातर, पहला प्रथम बौद्ध संगति के जो संरक्षक शासक थे, शासक कौन थे, अजात शत्रु थे, बिल्कुल सही है। और द्वितीय के अगर पूछा जाता था कि द्वितीय बौद्ध संगति के आपके काल अशोक हैं, इसको थोड़ा याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो तृतीय के कौन है, तृतीय के आपके अशोक हैं, ऐसे करके याद कर लीजिए। और चतुर्थ के समुद्रगुप्त नहीं थे दोस्तों, यही आपको सम्मिलित नहीं है, चतुर्थ के आपके कनिष्क थे। अगला दिया, शिवाजी ने मुगल बादशाह नगर सूरत को दूसरी बार कब लूटा था। तो 27 नंबर प्रश्न है, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनेगा, 1670 ईस्वी में लूटा था सूरत को, कब दूसरी बार लूटा था, 1670 ईस्वी में लूटा था, ठीक है। अगला दिया, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने रेलवे, शिक्षा, डाक, तथा सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए। 28 नंबर का यहाँ पे जो लॉर्ड डलहौजी है वो राइट ऑप्शन बनेगा। रॉकी पर्वत के पूर्व ढाल पर प्रभावित होने वाली पवन निम्नलिखित में से कौन सी है। 29 नंबर का यहाँ पे चिनूक यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न, चलो अगला प्रश्न आपका दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमालयी नदियों की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो 30 नंबर का जो सी ऑप्शन है, अध्यारोपित नदियाँ, यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया गया 31 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम और खुला सागरी बंदरगाह है। 31 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बनेगा डी, चेन्नई। अगला दिया गया, एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों क्रम किस प्रकार होगा। 32 नंबर प्रश्न है, देखते हैं भाई राइट ऑप्शन इसका। देखो, शैवाल, जली पिशु और छोटी मछली, फिर बगुला, यहाँ पर राइट ऑप्शन सही बनेगा, इसको देख लेना। अगला देखते हैं, छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी है। 33 नंबर प्रश्न दिया गया, इसका राइट ऑप्शन आपका बनेगा पारसनाथ, ठीक है, पारसनाथ हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी है पारसनाथ। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो आपका जो कृषि और सिंचाई है वो समवर्ती सूची का विषय नहीं है। अगला दिया गया, वह लेख कौन सा है जो सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है। 35 नंबर प्रश्न का यहाँ पर जो अधिपति सेद होगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन। अगला दिया गया है 36 नंबर, संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में फेरबदल किया जा सकता है केवल किसके द्वारा। 36 नंबर का यहाँ पे केवल संसद द्वारा किया जा सकता है, संविधान आपका संसद से रिलेटेड है, यहाँ पे संसद द्वारा होगा, ठीक है। अगला दिया गया है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक कितने शेयरों
सौ होता है, ठीक है। 37 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बनेगा सौ, ठीक। अगला दिया गया, आपातकाल में एक फर्म उत्पादन तब बंद रह कर देगा जब, क्या होता है, ठीक है। चार ऑप्शन को देखो, जब कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षितों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं। 39 नंबर दिया गया, तो इसका राइट ऑप्शन एंटीजन या प्रतिजन कह सकते हो। पौधे में रस आरोहण या चढ़ाव, रस चढ़ाव किसके द्वारा होता है पौधों में, ठीक है। तो वही जाइलम के द्वारा होता है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध धातुक विकृति के साथ है। तो 41 नंबर प्रश्न दिया गया, इसका जो फ्लोरीन है वो राइट ऑप्शन बनेगा। डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है, बताइए इसका भाई राइट ऑप्शन आप लोगों का क्या होगा। 42 नंबर दिया गया, इसका राइट ऑप्शन होगा पक्षियों के, ठीक है। अगला दिया गया है 43 दिया गया, आँख में वर्ण दर्शन या कलर विजन आप लोगों को सुना होगा, निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है। 43 नंबर दिया गया, इसका राइट ऑप्शन आपका बनेगा शंकु। अगला दिया, अनाज के परिरक्षण के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। 44 का राइट ऑप्शन आपका बनेगा ए बार, सोडियम बेंजोएट। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का अपसमान घटक है, तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा। 45 नंबर दिया गया, इसका राइट ऑप्शन आपका कीटोन निकाय हो जाएगा। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके द्वारा होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 46 नंबर दिया गया, तो आप लोग बताइए प्रकाश का परिक्षेपण द्वारा होता है। Al3+ जो है आपका किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, बताइए। चलिए बताइए क्या होगा इसका। 47 नंबर दिया गया, तो इसका दिया गया तो यहाँ पे होगा द्रवित सोडियम का, सोडियम मतलब Na, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं भाई, कंप्यूटर से रिलेटेड है, देख लो एक बार। कंप्यूटर के इंटरनेशनल ऑपरेशन और कंप्यूटर के सभी भागों के साथ किस प्रकार काम करता है उसे नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो 49 नंबर दिया गया, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला दिया गया, नाको जो है आपका क्या है, एर्सनियंटर संगठन है आपका। यहाँ पर 50 का ये ऑप्शन बनेगा। दोस्तों यहाँ 50 क्वेश्चन आपको इतने कम समय में करा देते हैं, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। इस चैनल पे आपको SSC MTS की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। तो इस चैनल पे आपको रीजनिंग, इंग्लिश और GK GS मिलते रहेंगे SSC MTS के, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करना। और आपको SSC MTS की प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी, कमेंट बता देना, आपको कमेंट में प्ले लिस्ट की लिंक दे देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा।